तो दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है स्क्रीन पर दिखाए हुए एक नोट के साथ में, जिसमें लिखा हुआ था कि तीन मासूम लड़कियां सुबह मारी जाएंगी जब एक नया प्लेनेट आकर सूरज को निकल जाएगा। ये दिन कोरोनेशन का दिन होगा, यानी कि राज अभिषेक का, और उस दिन से धरती पर लामास्तु डेमन का राज होगा। दरअसल लामास्तु एक मेसोपोटामियन रिलीजन की एक फीमेल डेमन गॉड है, जिसे फीमेल डेमन में से सबसे खतरनाक डेमन माना जाता है, जो कि बच्चों और मर्दों को मारकर उनका खून पीती है और वो उनका मांस खाकर अपनी भूख को मिटाती है। तो चलिए अब मूवी की तरफ आगे बढ़ते हैं। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें लूसिया नाम की एक क्लब डांसर दिखाई जाती है, जो क्लब में अपना डांस परफॉर्म कर रही थी, लेकिन वो अपना डांस बीच में छोड़कर वहाँ से चुपचाप जाने लगती है। यहाँ पर वो अपने लॉकर के पास में आती है और उसमें से किसी चीज़ को एक बैग में छुपाकर वहाँ से भागने वाली रहती है, लेकिन तभी वहाँ पर मोरो नाम का एक आदमी आ जाता है, जो कि उसे जाने से रोकता है क्योंकि उसे लूसिया का डांस देखना था। लेकिन लूसिया उसकी बात को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। तभी मोरो का ध्यान लूसिया के बैग पर जाता है और उसके पूछने पर वो ये बताती है कि इसमें उसके कपड़े हैं, लेकिन मोरो को उस पर शक होता है और लूसिया से उस बैग के अंदर क्या है ये देखने के लिए कहता है। जब लूसिया ऐसा नहीं करती है तो मोरो खुद बैग चेक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लूसिया अपने बैग में से पेपर स्प्रे निकालकर मोरो के फेस पर छींट देती है और मोरो लूसिया को रोकने के लिए एक चाकू से उसके पैर पर वार कर देता है। पर लूसिया भी मोरो के सिर पर एक कांच की बोतल फोड़कर अपनी कार में बैठकर वहां से निकल भागती है। अब थोड़ी दूर जाने के बाद में लूसिया अपनी कार रोककर किसी को कॉल करने लगती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस इंसान का फोन नहीं लग पाता है और लूसिया की उससे बात नहीं हो पाती है, जिस चीज से नाराज होकर वो अपना फोन तोड़ देती है और अपनी कार वहीं पर छोड़कर पैदल ही निकल जाती है। सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में हम रोसियो नाम की एक औरत को देखते हैं, जो कि अपने बेड पर थी, लेकिन किसी बुरे सपने की वजह से उसकी नींद खुल जाती है, जिसके बाद रोसियो अपने सामने अपनी बच्ची एल्बा को देखती है। एल्बा रोसियो से कहती है कि वो आ चुकी है और वो बहुत ही गुस्से में है। रोसियो एल्बा की इस बात को सुनकर बहुत घबरा जाती है और एल्बा को चुप करा के किसी को अपने घर में ढूंढने लगती है, पर तभी घर में अजीब अजीब चीजें होने लगती है, जैसे कि बाथरूम के नल से खून आने लगता है, और जब रोसियो नल बंद करती है तो घर का टीवी अपने आप चालू हो जाता है। रोसियो इतने ज्यादा डर जाती है कि वो अल्बा और अपना सामान पैक करके वहां से जाने लगती है, लेकिन स्टेयर पे उनके पड़ोसी की बेटी ओलिविया, जो कि मेंटली थोड़ी वीक थी, वो उन दोनों मॉम बेटे को वहां से जाने से रोकती है और उसके बर्थडे पार्टी में आने के लिए उन्हें इन्वाइट करती है, जो कि कल होने वाली है। पर फिर भी रोसियो उसकी बात को इग्नोर करके वहां से जाने लगती है। तभी लूसिया जख्मी हालत में लिफ्ट से बाहर निकलती है और सीधे रोसियो के गले लग जाती है, क्योंकि लूसिया रोसियो की सगी बहन थी। दूसरी तरफ हम क्लब में विक्टर नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि मोरो से पूछता है कि लूसिया के हाथ में वो बैग कैसे लगा और वो कहां पर गई है, जिस पर मोरो उसे बताता है कि उसने लूसिया के हाथ में वो बैग देखा था और जब उसने लूसिया को रोकने की कोशिश की तो वो उस पर हमला करके वहां से भाग गई। मोरो ये भी कहता है कि उसने भी चाकू से लूसिया के पैर पर वार कर दिया था, जिससे कि वो अभी ज्यादा दूर तक नहीं गई होगी। ये सुनकर विक्टर मोरो से कहता है कि उन्हें जल्दी लूसिया को ढूंढना होगा, वरना उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, जिसके बाद में विक्टर अपने आदमियों से लूसिया को ढूंढने के लिए कहता है। इधर लूसिया की ऐसी हालत देखकर रोसियो उसे अपने साथ में अपने घर में लेकर जाती है और लूसिया के पैर में पट्टी करके उससे उसकी इस हालत की वजह पूछती है, जिस पर लूसिया उसे झूठ कह देती है और कुछ दिन तक उसके ही घर में रहने की इजाजत मांगती है। लेकिन रोसियो लूसिया की कुछ पुरानी हरकतों की वजह से ये नहीं चाहती थी कि वो उनके साथ रहे। अब कुछ देर के बाद में रोसियो लूसिया के खून में लथपथ कपड़े धोने के लिए उन्हें मशीन में डाल देती है और उसी दौरान उसे लूसिया का बैग मिलता है जिसमें ड्रग्स थे, और रोसियो को ये लग रहा था कि लूसिया उसकी आदी हो चुकी है, तो इसलिए वो लूसिया से उस बैग को लेकर वहां से जाने के लिए कहती है, जिस पर लूसिया उसे पूरी बात समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि उसने ये बैग बहुत ही रिस्क लेकर चुराया है और इसे बेचने के बाद में उनके पास में बहुत सारा पैसा आ जाएगा, जिसके बाद में वे लोग दूसरी कंट्री में जाकर एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं, और इस काम में एक आदमी भी उनका साथ दे रहा है जिसे पता है कि इन चीजों को कैसे और कहां पर बेचना है। बस कुछ ही दिन की बात है और वो उसे कुछ दिन तक यहां पर रहने दें, पर रोसियो नहीं चाहती थी कि लूसिया यहां पर रहे, क्योंकि वो अपनी और अपनी बेटी एल्बा की लाइफ को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। इन दोनों की बहस चलती रहती है और इसके चलते रात हो जाती है, जिसके बाद में लूसिया सोने चली जाती है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है और उसकी नजर छत की तरफ जाती है, जिसमें से बहुत सारे कॉकरोचेस और एक क्रीपी सी औरत बाहर आने लगती है। तभी हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है, यानी कि ये लूसिया का एक बुरा सपना था। फिर कुछ देर के बाद लूसिया ब्रेकफास्ट के लिए किचन में जाती है
और एल्बा के साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगती है, जिस बीच वो एल्बा से पूछती है कि क्या उसकी मॉम यानी कि रोसियो अब तक सो रही है, जिस पर एल्बा उसे बताती है कि उसकी मॉम घर पर नहीं है, वो शायद रात में ही अपना बैग लेकर घर से जा चुकी है। लूसिया रोसियो को पूरे घर में ढूंढने के बाद में अल्बा से पूछती है कि क्या पता है कि उसकी मॉम कहाँ पर गई है, जिस पर अल्बा लूसिया से कहती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता है। उसकी मॉम को ये जगह पहले से ही पसंद नहीं थी क्योंकि यहाँ पर उन्हें किसी चीज़ से डर लगता था। लूसिया अल्बा से घर के फ़ोन के बारे में पूछती है, लेकिन उनके घर में एक ही फ़ोन था जो कि रोसियो का था और वो अपने साथ में उसे ले गई थी, और यहाँ बिल्डिंग में भी मुश्किल से कुछ लोग ही रहा करते हैं। दूसरी तरफ हम उस क्लब के ओनर माफिया को देखते हैं जो कि एक माफिया था। उससे मिलने के लिए विक्टर आया था। माफिया को विक्टर बताता है कि वो लूसिया को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और जल्दी वो उसे ढूंढ लेगा, लेकिन माफिया अपने खास आदमी काल्वो से लूसिया को ढूंढने के लिए कहता है कि उसे हर हाल में लूसिया को ढूंढ कर निकालना है, नहीं तो लूसिया उनका बहुत बड़ा नुकसान कर देगी। इधर लूसिया रोसियो को कॉल करने के लिए पास की एक शॉप पर जाती है और अल्बा को भी अपने साथ में ले जाती है, लेकिन रोसिया का फोन नहीं लगता है और लूसिया की रोसियो से बात नहीं हो पाती है। इस बीच लूसिया मोरो को अपनी तरफ आता देखती है और इसलिए वो चुपचाप उस जगह से निकल जाती है। फिर इसके बाद में मोरो काल्वो से मिलता है और काल्वो मोरो से लूसिया के यूज्ड कपड़े उसे लाकर देने के लिए कहता है ताकि ब्लैक मैजिक के जरिए वो लूसिया तक पहुँच सके। तो अब इधर घर आने के बाद में लूसिया और अल्बा साथ में खाना खाते हैं और इस बीच एल्बा लूसिया को एक डरावनी औरत के बारे में बताती है जो कि ऊपर रहती है। लूसिया उस औरत के बारे में और जानना चाहती थी, लेकिन एल्बा उससे कहती है कि वो एक क्रीपी सी औरत है जिससे उसकी मॉम रोसियो डरती है, लेकिन एल्बा उसे नहीं डरती क्योंकि वो औरत उसे गिफ्ट देती है। फिर एल्बा लूसिया को वो चीज़ दिखाती है जो कि उस ऊपर रहने वाली औरत ने उसे दी थी। लूसिया उन सभी चीज़ों को देख कर हैरान हो जाती है क्योंकि उसमें मासूम बच्चों के दांत और आंसू जैसी खौफनाक चीज़ें थीं। एल्बा उसे ये भी बताती है कि वो डरावनी औरत उसे रात में सपनों के जरिए डराने आती है। दूसरी तरफ विक्टर लूसिया के बारे में पता करने के लिए लूसिया के रूममेट के पास में जाकर लूसिया के बारे में जानकारी मांगता है और कहता है कि वो सिर्फ उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन उस लड़की को लूसिया के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। अब इधर घर में आने के बाद में लूसिया अपने घाव को देखती है जिसकी हालत अभी भी खराब थी, और उसके बाद में वो एक फ़ोटो एल्बम निकालती है और अपनी बहन रोसियो और खुद के बचपन की तस्वीर देखने लगती है, जिन्हें देखकर लूसिया काफ़ी इमोशनल फील करती है। लूसिया को ऐसा देखकर एल्बा भी उसके पास में आकर बैठ जाती है और उसके साथ में बातें करती है। तभी डोरबेल बजती है और जब लूसिया दरवाज़ा खोलती है तो दरवाजे के बाहर वही लड़की ओलिविया खड़ी होती है जो कि एल्बा और लूसिया को अपने बर्थडे पार्टी में आने के लिए इन्वाइट करती है, लेकिन लूसिया वहाँ पर जाने से मना कर देती है। तो एल्बा धीरे से लूसिया को कहती है कि इनके घर पर फ़ोन है जिससे हम मॉम को कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके बाद में हम लूसिया और एल्बा को ओलिविया की बर्थडे पार्टी में देखते हैं जहाँ पर सभी औरतें काफ़ी अजीब थी और वे सभी बार बार लूसिया की ग्लोइंग स्किन और सुंदरता की तारीफ कर रही थी, यहाँ तक कि एक औरत उसे अजीब तरीके से टच भी कर रही थी। लूसिया को पता चलता है कि इस बिल्डिंग में सिर्फ दो ही अपार्टमेंट हैं जिसमें लोग रहा करते हैं, बाकी के सभी अपार्टमेंट खाली हैं। लूसिया वहाँ से रोसियो को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन अभी भी उसका कॉल नहीं लगता है, जिसके बाद लूसिया उस इंसान को कॉल करती है जो इन सब में उसके साथ था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो इंसान और कोई नहीं बल्कि विक्टर है जो लूसिया के साथ में मिला हुआ था। विक्टर लूसिया से उसके लोकेशन के बारे में पूछता है तो लूसिया उसे बताती है कि वो विनस बिल्डिंग में रुकी हुई है, लेकिन तभी कनेक्शन ब्रेक होने लगता है और कॉल कट हो जाता है। विक्टर उसे फिर से कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन उसका कॉल नहीं लगता है। इसी बीच हम काल्वो को देखते हैं जो कि लूसिया के कुछ कपड़ों को लेकर एक काला जादू करने वाली औरत के पास में जाता है जो दिखने में काफ़ी अजीब थी। काल्वो उससे लूसिया को ढूंढने में मदद करने के लिए कहता है। वो औरत अपने सामने एक मैप और एक ग्लास में खून रखती है और फिर अपने मुंह में लूसिया के कपड़े का टुकड़ा रखकर कुछ स्पेल्स पढ़ने लगती है, जिसके बाद में वो उस टुकड़े को उस मैप पर फेंक देती है और कहती है कि ये टुकड़ा जहाँ पर गिरा है लूसिया वहीं पर है। वो औरत काल्वो को वहाँ पर जाने से वार्न करती है और कहती है कि वो एक हॉन्टेड प्लेस है, और वो लूसिया की बहन रूसिया का भी नाम लेती है, लेकिन काल्वो को कुछ समझ नहीं आता है। इधर लूसिया को वो बैग मिल जाता है जिसे वो क्लोसेट में छुपा देती है। वहीं पर उसे एक डायरी भी दिखाई देती है जिसके ऊपर विनस टाइटल लिखा हुआ था। लूसिया उसे खोलकर देखने लगती है जिसके अंदर बहुत सारे पेपर कटिंग थी जिनमें उस बिल्डिंग में हुई मिस्टीरियस घटनाओं के बारे में लिखा हुआ था, जैसे कि विनस बिल्डिंग की छत से तीन लड़कियों की लाशें मिली थी
फीमेल गॉड लमास्तु को बुलाने के लिए ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करके उसे वीनस बिल्डिंग में रखा गया है, और ऐसा माना जाता है कि वीनस बिल्डिंग में विचेस रहा करती है जो कि लमास्तु डेमन को खुश करने के लिए इंसानों की बलि दिया करती है। लूसिया ये सब देख रही थी कि तभी अचानक एल्बम वहाँ पर आ जाती है जो कि लूसिया से कहती है कि उसके हाथ में दर्द हो रहा है। लूसिया देखकर हैरान रह जाती है कि एल्बा ने अपना हाथ काट लिया है। एल्बा के हाथ से खून बह रहा था जिससे देखकर वो घबरा जाती है, और लूसिया एल्बा से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर एल्बा उसे बताती है कि उस ऊपर वाली औरत ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। लूसिया इसे एल्बा का बचपना समझ के भुला देती है और उसके घाव पे पट्टी करके उसे अपने साथ में ही सुला लेती है। अब जब रात में लूसिया अपना घाव चेक करने के लिए उठती है तो उस घाव के अंदर से कीड़े निकलने लगते हैं जिससे घबराकर उसकी नींद खुल जाती है। तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, और जब वो उनका पीछा करते हुए बाथरूम में जाती है तो उसे हल्के अंधेरे में एक प्रेग्नेंट लेडी की शेडो दिखाई देती है, और जैसे ही लूसिया लाइट ऑन करती है तो वहाँ पर कोई नहीं था। तभी अचानक से वहाँ पर रोसिया आ जाती है जो कि लूसिया से अजीब तरीके से कहती है कि उसे एल्बा को छोड़कर यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि एल्बा अब उसकी बहन नहीं है, और यही वजह थी कि वो इस घर को और एल्बा को छोड़कर पहले ही चली गई। रोसियो लूसिया को एल्बा के अगेंस्ट भड़काने लगती है। लूसिया को समझ पाती उससे पहले रोसियो लूसिया के चेहरे पर सीधे से कट लगा देती है। फिर लूसिया को जमीन पर घसीटकर वो मारने लगती है, और इधर देखते ही देखते एल्बा भी अपने गर्दन में चाकू घुसा लेती है। अब यहाँ पर विक्टर को लूसिया की लोकेशन मिल जाती है, और वो उसे ढूंढने के लिए उस वीनस बिल्डिंग में घुस जाता है। काल्वो और मोरो भी लूसिया की तलाश में उस बिल्डिंग तक पहुँच जाते हैं। बिल्डिंग के बाहर काल्वो एक बूढ़ी औरत से ये कहकर बात करने की कोशिश करता है कि वो इस बिल्डिंग को खरीदना चाहता है। वो बूढ़ी औरत उसे ओलिविया के घर पर लेकर जाती है, जहाँ पर काल्वो उनसे लूसिया की बहन रोसियो के बारे में पूछता है, तो वो उससे कहती है कि रोसियो अब यहाँ पर नहीं रहती है। तभी एक तीसरी औरत भी वहाँ पर आ जाती है। इधर लूसिया की नींद खुलती है, और वो एल्बा को अपने सामने सही सलामत देखती है क्योंकि ये उसका एक बुरा सपना था। एल्बा लूसिया को एक गिफ्ट देती है और कहती है कि यह गिफ्ट उसे ऊपर वाली औरत ने दिया है ताकि ये मैं आपको दे सकूं। लूसिया उस गिफ्ट को खोलती है जिसे देखकर उसे ऐसा लगता है कि एल्बा उसके साथ में मजाक कर रही है, लेकिन एल्बा उसे कहती है कि लूसिया खुद उस बुरे सपने के जरिए उस औरत को इस घर में लेकर आ गई जो कि उसने रात में देखा था। ये सुनकर लूसिया हैरान रह जाती है कि एल्बा को उसके सपने के बारे में कैसे पता है, जिसके बारे में लूसिया एल्बा को बैठकर टीवी देखने के लिए कहती है और खुद अकेले ही 10th फ्लोर पर उस औरत को देखने के लिए जाती है, जहाँ पर उसे एल्बा की सेक्रीफाइस की पिक्चर्स टंगी हुई मिलती है, और साथ ही उससे दीवार पर लमास्तु डेमन की पेंटिंग भी लगी हुई दिखती है, जिससे देखकर लूसिया चौंक जाती है क्योंकि उसमें 10th फ्लोर वाली औरत लमास्तु डेमन की मॉन्स्टर स्लेव थी, ये यूं कह लो कि उसकी नौकरानी थी। ये सब देखकर लूसिया वहाँ से फटाफट जाने लगती है। तभी लूसिया को उसकी बहन रोसियो दिखाई देती है, जिसके गले को जंजीरों से बांध कर रखा गया था, और वो जंजीर लूसियो के गले में घुसी जा रही थी जिससे कि रोसियो के गले से खून आ रहा था। लूसिया रोसियो से पूछती है कि ये सब उसके साथ में किसने किया है, जिस पर रोसियो उसे बताती है कि जो तीनों औरतें नीचे वाले फ्लोर पर रहा करती है वो तीनों विचेस हैं जिन्होंने उस न्यूज़पेपर की कटिंग वाली लड़कियों की बलि दी है, और अब उन्हें एल्बा चाहिए ताकि वो उसे भी मारकर उसकी बलि दे सके। रोसियो लूसिया से एल्बा की जान बचाने के लिए कहती है, और इतना कहकर वो वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। इससे लूसिया बहुत ही इमोशनल हो जाती है, और वो रोसियो की बॉडी को गले लगाकर रोने लगती है। इधर काल्वो का झूठ पकड़ा जाता है कि उसने विनस बिल्डिंग को खरीदने के लिए ओनर से बात कर ली है, क्योंकि बिल्डिंग की ओनर वही तीसरी विच थी जिससे काल्वो की कोई बात नहीं हुई थी। काल्वो वहाँ से लूसिया को ढूंढने के लिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन उन तीनों में से एक विच काल्वो के सिर पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। अब यहाँ पर लूसिया घर पर वापस आती है, और वो फटाफट से एल्बा को यहाँ से जाने के लिए तैयार करती है। जब लूसिया खिड़की से बाहर जागती है तो उसे मोरो दिखाई देता है। तभी डोरबेल भी बजती है, और लूसिया डरते डरते दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि ओलिविया एल्बा को अपने साथ में ले जाने के लिए आई है, लेकिन लूसिया ओलिविया को वहाँ से भगा देती है। अब इधर तीनों विचेस काल्वो को मारकर उसका खून निकाल लेती है जिसका इस्तेमाल वो सेक्रीफाइस के लिए करने वाली थी। अब एक घंटा हो चुका था पर अभी तक काल्वो वापस नहीं आया था, तो इसलिए मोरो काल्वो को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन काल्वो का कॉल नहीं लगता है, जिसके बारे में मोरो माफिया को कॉल करके बताता है। अब यहाँ पर विक्टर लूसिया की तलाश में ऊपर जाता है। वहाँ पर उसे वही बच्ची ओलिविया मिलती है जिससे वो लूसिया के बारे में पूछता है, और उसे लूसिया के पास में ले जाने के लिए कहता है।
इधर वो तीनों विचेस अपने लास्ट रिचुअल के लिए रेडी हो रही थी और अपनी शैतानी शक्तियों को जगाने के लिए मेंढक का यूज करती है, जिससे वो ऊपर वाली औरत यानी कि डेमोनिक स्लेव आजाद हो जाती है और एल्बा को लेने के लिए आ जाती है। पर एल्बा और लूसिया एक जगह पर छुप जाते हैं और उस डेमोनिक स्लेव को घूमते हुए देखते हैं, जो कि एल्बा को ढूंढने के लिए बाथरूम में पहुंच जाती है, जिसके बाद में वहां पर विक्टर आ जाता है, जो कि लूसिया की मदद करने के बजाय ये जानने में इंटरेस्टेड था कि आखिर वो बैग कहाँ पर है। लूसिया उसे बैग के बारे में बताती है कि वो उसने बाथरूम में छुपाया है। लूसिया इतना कहती है कि तभी विक्टर उसके पेट में चाकू मार देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि माफिया को उसकी सच्चाई पता चले कि वो भी इन सब में मिला हुआ है, जिसके बारे में वो उसे मार दे। फिर अब विक्टर बाथरूम में जाता है तो उसे वही डेमोनिक स्लेव दिखाई देती है, जो कि विक्टर का सर अपने हाथ से चकनाचूर करके उसे मार डालती है। इधर लूसिया घायल हो चुकी थी, जिस वजह से वो एल्बा को वहां से भागने के लिए कहती है, पर तब तक वहां पर वो तीनों विचेस आ जाती है, जो कि रिवील करती है कि आज कोरोनेशन की रात है, जिसमें वो एल्बा का सेक्रीफाइस करके उसकी बॉडी में लमास्तु को रिबर्थ करवाएंगे, जिसके बाद दुनिया में सिर्फ बुराई का राज होगा और वो तीनों अमर हो जाएंगी। इतना कहकर वो एल्बा को पकड़ लेती है और लूसिया को चाकू से स्टैप करती है, जिससे कि लूसिया बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। फिर विचेस एल्बा को अपने साथ में ले जाती है और उसे रिचुअल के लिए रेडी करती है। अब तक बिल्डिंग के बाहर माफिया और उसके आदमी भी आ चुके थे। फिर इधर लूसिया को होश आता है और उसे वो गिफ्ट बॉक्स याद आता है, जिसमें बड़ा सा स्टेपलर था, जो उसे उस ऊपर वाली औरत यानी कि डेमोनिक स्लेव ने दिया था। फिर लूसिया जमीन पर रेंगते हुए रूम में जाती है और स्टेपलर से अपने घाव को स्टिच करती है और फिर उस बैग में से बहुत सारे ड्रग्स निकाल कर खा लेती है, जिससे उसे कुछ देर दर्द महसूस नहीं होता है। तब तक मोहन कुछ गुंडों को लेकर अपार्टमेंट में एंटर हो जाता है और लूसिया छुप जाती है। फिर मौके का फायदा उठाकर लूसिया गैस सिलेंडर पर गोली चला देती है, जिससे कि ब्लास्ट हो जाता है और सारे गुंडे मारे जाते हैं। हालांकि मोरो अभी भी जिंदा था, जो कि लूसिया पर अटैक कर देता है, पर किसी तरह लूसिया मोरो पर हमला करके उसे भी मार देती है। दूसरी तरफ वो तीनों विचेस एक ब्लड सर्कल में एल्बा को खड़ा करके उसके चारों ओर दूसरे डेमन को बिठाकर रिचुअल करने लगती है। तभी उसमें से रेंगते हुए अजीब से डेमन बाहर आके एल्बा को जकड़ने लगते हैं, लेकिन समय रहते लूसिया उस जगह पर पहुंच जाती है, जहां पर उसके सामने एक विच आ जाती है, जिसे लूसिया शूट करके मार देती है। लूसिया के आने के बाद में वो डेमन वापस चले जाते हैं और दूसरी विचेस लूसिया को देखकर कहती है कि वो समझ नहीं पाई कि लूसिया ही लमास्तु है, यानी कि उसका असली रूप, जिसने लूसिया को माध्यम बनाकर पुनर्जन्म लिया है। लूसिया की बॉडी वैसे ही ग्लो कर रही थी जैसे कि लमास्तु के जन्म के समय होना चाहिए। वो दोनों विचेस इतना कहकर लूसिया के पैरों में गिर जाती है, लेकिन लूसिया गुस्से में उन दोनों को शूट कर देती है, जिसके बाद में लूसिया बिल्डिंग के बाहर आती है और उसकी बॉडी के ग्लो को देखकर माफिया और उसके गुंडे भी लूसिया के सामने अपना सर झुका लेते हैं। फिर लूसिया माफिया को माफ करके एल्बा को अपने साथ में लेकर वहां से चली जाती है और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये मूवी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट मूवी है, जिसमें हम देखते हैं कि विनस नाम की एक बिल्डिंग में कुछ मिस्ट्रियस लोग रहते हैं, जो कि लमास्तु नाम के एक डेमन को सेक्रीफाइस के जरिए बुलाना चाहते थे। लूसिया जो कि एक बार में काम करती थी और वो अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गई थी, तो इसलिए वो वहां से बैग चुरा कर इस कंट्री से दूर जाना चाहती थी। लेकिन लूसिया की बहन रोसियो विनस बिल्डिंग में रहा करती थी। जब वो वहाँ पर जाती है तो रोसियो वहाँ से गायब हो जाती है और विनस बिल्डिंग के मिस्ट्रियस लोग एल्बा को सेक्रीफाइस करके डेमन को वहाँ पर बुलाना चाहते थे। लेकिन मूवी के एंड में हमें पता चलता है कि डेमन और कोई नहीं बल्कि लूसिया ही थी। लूसिया को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके रूप में एक डेमन ने जन्म लिया है और वो खुद भी नहीं जानती थी कि वो एक डेमन है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।